नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 4 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सरकारी यात्रा को बनाया चुनावी यात्रा तो कार्रवाई तय। बिहार के सभी थानों को दी गई आत्मनिर्भर राशि। मतदान के दिन होगी छुट्टी, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। नवादा के लाल का हुआ भव्य स्वागत। जनकराम ने बालू खनन में गड़बड़ी नहीं होने का किया दावा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 61 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए डिसिप्लिन की बात करें तो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मॉडर्न ऑफिस, प्रैक्टिस मैनेजमेंट तय की गई है। वहीं अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास डिग्री या डिप्लोमा रेलिवेंट डिसिप्लिन में होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 10 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट www.hwr.bhel.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के सभी थानों को दी गई आत्मनिर्भर राशि। बिहार के सभी थाने अच्छे से काम कर सके, इसको लेकर बिहार के सभी थानों को आत्मनिर्भर राशि दी गई है, जिसके तहत ही अब बिहार के सभी पुलिस थानों को किसी तरह के काम के लिए एडवांस राशि की निकासी का अधिकार दिया गया है। जानकारों की माने तो इसके पीछे का यही मकसद है कि थानों की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए वो किसी और के मोहताज नहीं है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों के SP को थानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एडवांस निकासी की शक्ति दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अब थानों को 31 तरह के काम पर खर्च की सहूलियत होगी। थाने बल्ब, स्विच, तार होल्डर, बोर्ड की खरीद, बिजली की वायरिंग और पंखे की मरम्मत कराने का भी अधिकार रखेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि थानों को आत्मनिर्भर राशि देने का प्रावधान साल 2008 में ही किया गया था। ए कैटेगरी को 25,000 और बी कैटेगरी को 15,000 और सी कैटेगरी के थानों को 10,000 एडवांस दिए जाते हैं। पटना के बिहटा में इंडस्ट्री और बियाडा की जमीन को लेकर हुई चर्चा। बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बीते दिन उद्योग विभाग में प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। इस दौरान मंत्री ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में बियाडा अब सिर्फ उद्योग को लेकर जमीन दी जाएगी, जिसमें पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से तेजी से बियाडा क्षेत्र में नए उद्योग की संभावना बनी। कोरोना काल में भी बिहार में उद्योग का माहौल है। इथेनॉल इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ाने की बात चल रही है। केंद्र में भी संभावित मंत्री से उन्होंने बातचीत की है। उम्मीद है कि बिहार का यह सपना जल्द ही पूरा होगा। साथ ही बिहटा में लगाई जाने वाली इंडस्ट्री को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे राम अवतार शर्मा की। पंडित राम अवतार शर्मा का जन्म बिहार के छपरा जिले में हुआ था। महामहोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा एक इंडोलॉजिस्ट और इतिहासकार होने के अलावा एक भारतीय सांस्कृतिक विद्वान और एकेडमिक थे। उनका जन्म विद्वानों के भूमिहार ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने छात्रवृत्ति के उसी रास्ते को अपनाया। स्वतंत्रता पूर्व वर्षों में पटना विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर बन गए। वो एक प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट भी थे। भारत के पहले राष्ट्रपति और पंडित शर्मा के पसंदीदा छात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके गुजर जाने के बाद उनकी रचनाओं को प्रकाशित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजद ने कार्यालय विस्तार के लिए सरकार से मांगी जमीन तो सीएम नीतीश ने कहा ये। राजद अपने कार्यालय विस्तार को लेकर लगातार चर्चा कर रहा है, साथ ही जमीन की मांग भी की गई है, जिसको लेकर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राजद के कार्यालय के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के संबंध में सीएम नीतीश को पत्र जारी किया था। वहीं इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जमीन आसमान से लेकर आए क्या। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल में इन लोगों ने क्या किया था ये पता नहीं। अभी जहां राजद का कार्यालय है उसके लिए जमीन हम ही लोगों ने उपलब्ध करवाया है। ज्ञात हो जगदानंद सिंह से पहले राजद ने सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद 19,842 वर्ग फीट जमीन दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। मौसम विभाग ने मॉनसून की सक्रियता बढ़ने के जताए आसार। बिहार में मॉनसून एक बार फिर से दस्तक दे रहा है। पटना मौसम विज्ञान विभाग की माने तो बिहार के कई जिलों में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत मौसम वैज्ञानिकों की माने तो समस्तीपुर, वैशाली, सारण, सिवान और मुजफ्फरपुर में भी अच्छी बारिश हो सकती है। बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना, भोजपुर, बक्सर, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर और खगड़िया में मेघ गर्जन और बिजली चमकने के आसार है। इसको देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं 5 सितंबर को पश्चिमी चंपारण, अररिया और किशनगंज में भी ऐसी स्थिति बन सकती है।
जनकराम ने बालू खनन में गड़बड़ी नहीं होने का किया दावा। बिहार में बालू खनन में गड़बड़ी की कई खबरें लगातार सुनने में आती रही है। हालांकि बिहार में बालू खनन के मुद्दे को लेकर हो रही गड़बड़ी पर सरकार ने अब तक कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं अब खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री राम जनक राम ने दावा किया है कि 1 अक्टूबर से बिहार के अलग अलग जगहों पर बालू खनन का काम किया जाएगा, जिसके बाद से बालू खनन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इससे पहले भी जो गड़बड़ियां हुई है उसको लेकर विभाग ने संज्ञान लिया है और कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार में बालू खनन बंद होने के बावजूद बालू के पर्याप्त स्टॉक होने की बात कही है। मतदान के दिन होगी छुट्टी, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। सबके बीच अब पंचायत चुनाव को लेकर एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जिसके तहत पंचायत चुनाव वाले क्षेत्र में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश का सख्ती से पालन कराने का शासन को निर्देश दिया गया है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने श्रम संसाधन और सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखकर आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है, जिसके बाद अब आदेश का पालन नहीं करने वालों पर दंड का प्रावधान भी किया गया है, जिसके तहत 500 रूपये वसूलने की बात कही गई है। ज्ञात हो यह आदेश सभी सरकारी कार्यालय, संस्थानों, दुकानों और फैक्ट्रियों पर लागू होगी। बिहार के संबंध डिग्री कॉलेज की नहीं चलेगी अब मनमानी। बिहार सरकार ने बिहार के सभी एफिलिएटेड डिग्री कॉलेज में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाने के प्रयास को तेज कर दिया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग ने अपना आदेश भी जारी कर दिया है, जिसमें शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि कॉलेज प्रबंधन इस बाबत अपना वेबसाइट तैयार करे और उस पर शिक्षकों और कर्मियों के वेतन भुगतान की राशि को अपलोड करे। साथ ही विभाग ने यह हिदायत भी दी है कि जो प्रबंधन अपने कॉलेज की वेबसाइट पर अपडेट नहीं रखेंगे उनके अनुदान भुगतान पर विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की माने तो सरकार के आदेश का पालन करना कॉलेज प्रबंधन की जवाबदेही होगी। इसके साथ ही किस शिक्षक या शिक्षेतर कर्मचारी को वेतन मद में हर महीने कितनी राशि दी गई है, इसकी मॉनिटरिंग का काम विश्वविद्यालय को दिया गया है। नवादा के लाल का हुआ भव्य स्वागत। बीते दिन नवादा के लाल जवान रवि कुमार का भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि सीआरपीएफ के कांस्टेबल रवि कुमार उर्फ राजा ने हाल ही में लश्करे तैयबा के 2 व्यक्तियों को खत्म करने का काम किया है, जिसके लिए उन्हें हाल ही में राष्ट्रपति के हाथों पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री से भी सम्मानित किया गया। वहीं बिहार में बीते दिन जिले के तमाम लोगों ने उनका फूल माला, ढोल नगाड़े के साथ रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया। लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके दूसरे कांस्टेबल साथी सुखजिंदर सिंह और टीम के कमांडेंट संजीव कुमार सिंह को भी राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया था। सड़क पर खड़े जगदानंद सिंह ने मीडिया कर्मियों से दिखाई हमदर्दी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बीते दिन मीडिया कर्मियों से दरियादिली दिखाई, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन राजद कार्यालय के बाहर मौजूद पत्रकारों को कार्यालय के अंदर आने को कहा, जहां पर उन्होंने सभी पत्रकारों को खुद ही जगह देकर बिठाया और कहा कि आप भले ही हमारे बारे में कुछ भी लिखिए, लेकिन सड़क पर मत खड़े रहिए। हमारे पास जगह की कमी जरूर है, लेकिन इतनी जगह जरूर है कि आप यहां बैठकर काम कर सकते हैं। आप आराम से यहां बैठकर काम करिए। आप धूप में बाहर खड़े रहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में जगह की कमी का हवाला देते हुए जगदानंद सिंह ने भवन निर्माण विभाग को पत्र भी जारी किया था कि बगल की जमीन उन्हें दे दी जाए, लेकिन 5 महीने बाद जब जवाब आया तो उसमें राजद की मांग को दरकिनार किया गया। दरभंगा एयरपोर्ट बेहतर कनेक्टिविटी के कारण कई कीर्तिमान कर रहा है अपने नाम दर्ज। दरभंगा एयरपोर्ट ने अपने नाम कम समय में कई कीर्तिमान दर्ज किए हैं। वहीं अब यह एयरपोर्ट बेहतर कनेक्टिविटी के कारण भी काफी मशहूर हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय की बात करें तो इस एयरपोर्ट से 10 जोड़ी विमानों की आवाजाही हो रही है। कभी कभी तो विमानों की संख्या 12 तक पहुंच जाती है। वर्तमान समय की बात करें तो अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के लिए दरभंगा से सीधी उड़ान उपलब्ध है। इन प्रमुख शहरों से सीधी कनेक्टिविटी की वजह से इस शहरों से आने वाले उत्तर बिहार के यात्री पटना नहीं आ रहे हैं, जिसका सीधा असर पटना में विमानों की बुकिंग पर भी देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों के समय के साथ साथ पैसे की भी काफी बचत हो रही है। के सत्यापन के लिए हर पंचायत में होगी नेट की सुविधा। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर एक और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी पंचायत भवन के अलावा नजदीक के कुल 45,250 गांव में इंटरनेट के लिए वाईफाई सुविधा बहाल करने की बात कही है। जानकारों की माने तो वाईफाई की मदद से बूथों पर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा, इसलिए यह सुविधा को चुनाव आयोग ने आवश्यक रूप से बहाल करने का आदेश जारी किया है। पहले चरण की अधिसूचना को जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब मतदान के दिन जब मतदान वाले जिले में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी, जिसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने सचिव ने भी साथ में सभी जिलों के डीएम को इस व्यवस्था को बहाल कराने का आदेश जारी कर दिया है।
सिद्धार्थ शुक्ला की अंतिम विदाई पर नम हुई सभी की आंखें। बिग बॉस शो के विजेता, खतरों के खिलाड़ी के धुरंधर और रियलिटी शो के बादशाह माने जाने वाले सिद्धार्थ अब नहीं रहे। 2 सितंबर को उनके दुनिया को अलविदा कहने के बाद बीते दिन उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान उनके घर वाले तो बेसुध नजर आए ही, साथ ही उनकी सबसे करीबी दोस्त शहनाज का भी बुरा हाल था। वहीं सिद्धार्थ की अंतिम यात्रा के दौरान नम आंखों के बीच उन्हें मुखाग्नि भी दी गई और अभिनेता पंचतत्व में विलीन हो गए। ज्ञात हो, टीवी की दुनिया के जाने माने अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट में ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। शमशान घाट में एक्टर की मां बहनें समेत सभी रिश्तेदार और करीबी दोस्त उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। संभावित तीसरी लहर के लिए अगले 20 दिन है बेहद ही अहम। बिहार में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर लगातार वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं। इन सब के बीच बिहार को भी अलर्ट मोड पर काम करने की सलाह दी गई है। साथ ही जानकार आने वाले 20 दिन बिहार के लिए बेहद ही अहम मान रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अनुमंडलीय अस्पतालों को अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि जिले में कोविड जांच का दायरा बढ़ाया जाए। साथ ही कोविड नियम का पालन करने के लिए आम लोगों से अपील भी की गई है। गौरतलब है कि फिलहाल पटना जिले में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है, लेकिन अगले 20 दिन बेहद ही अहम माने जा रहे हैं। सरकारी यात्रा को बनाया चुनावी यात्रा तो कार्रवाई तय। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बेहद ही अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग ने यह साफ कर दिया है कि कोई भी किसी भी सूरत में सरकारी यात्रा को चुनावी यात्रा ना बनाए। इसके साथ ही आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि आदर्श आचार संहिता में मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री ही नहीं, विधायक, विधान पार्षद और सांसद भी अपने सरकारी यात्रा को चुनावी यात्रा से बिल्कुल अलग रखेंगे। इतना ही नहीं, अगर जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के कार्यालय तक सरकारी काम के सिलसिले में जाते हैं और उसके बाद निजी वाहन के माध्यम से चुनावी यात्रा करते हैं, तब भी दौरे को चुनावी ही माना जाएगा, जिसके बाद कार्रवाई तय होगी। गिरिराज सिंह और डिप्टी सीएम की उपस्थिति में सिमरिया धाम के विकास पर हुई चर्चा। बीते दिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की उपस्थिति में बैठक का आयोजन करवाया गया था, जहां पर सिमरिया धाम के विकास पर चर्चा की गई, जिसके तहत बेगूसराय के सिमरिया धाम के समेकित विकास और पर्यटकीय स्थल के रूप में इसे विकसित करने की व्यापक कार्य योजना को लेकर भी चर्चा हुई। ज्ञात हो, यह बैठक मुख्य सचिवालय के सभागार में आयोजित हुई थी। ये भी बता दें कि बैठक के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर, बुडको के प्रबंध निदेशक रमन कुमार, बेगूसराय के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, बेगूसराय जिला अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकगण के साथ पर्यटन, राजस्व और नगर विकास एवं आवास विभाग के वरीय पदाधिकारी, अभियंतागण उपस्थित थे। परीक्षा का रिजल्ट आ सकता है 10 सितंबर को। जेईई मेंस 2021 परीक्षा के चौथे चरण का परिणाम 10 सितंबर को जारी किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जेईई मेन के फेज 4 की परीक्षा 2 सितंबर को संपन्न हुई थी। परीक्षा की आंसर की भी कुछ ही दिनों में जारी कर दी जाएगी। परीक्षा के लिए 7.8 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसके बाद परीक्षा परिणाम जारी होने की बात कही जा रही है, जिसके तहत अगर आप भी परीक्षा का हिस्सा बने थे तो आप आंसर की और रिजल्ट jeemain.nta.nic.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। विजय सिन्हा ने पीएम मोदी से की मुलाकात। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के मौके पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति को खास तौर पर आमंत्रित करने की तैयारी चल रही है। यही कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष लगातार पीएम मोदी और राष्ट्रपति से मुलाकात करने में लगे हुए हैं। पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उसके बाद अब पीएम मोदी से बीते दिन उन्होंने मुलाकात की, जहां मुलाकात के साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को शताब्दी समारोह में आने का निमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, वरदान से युक्त और सामाजिक सम्मान कार्यक्रम पर समाज की जागरूकता के लिए अभियान की होने वाली शुरुआत पर वृहद रूप से चर्चा भी की। चिराग ने जदयू के इन दिग्गजों पर लगाए आरोप। बीते दिन लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने जदयू के दिग्गजों को निशाने पर लिया, जिसके तहत आरसीपी सिंह, ललन सिंह और कुशवाहा का जिक्र करते हुए चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सावधान किया है, जहां उन्होंने कहा कि जदयू में शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, जदयू सुप्रीमो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। इसका नुकसान पार्टी को जरूर होगा। जदयू में जल्द बड़ी टूट होने वाली है। चिराग ने कहा कि जदयू में हर कोई एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाने पर तुला है। पार्टी में 4 नेताओं के अलग अलग गुट बंट गए हैं। खेमेबाजी चरम पर है। महंगाई के खिलाफ सरकार का लालू राबड़ी ने किया घेराव।
इन दिनों महंगाई की मार का सामना हर एक आम नागरिक को करना पड़ रहा है। हालांकि इन सबके बीच अब विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार का घेराव शुरू कर दिया है, जिसके तहत बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपना बयान जारी करते हुए पुराने दिन ही लौटा देने की बात कही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, तेरी सदा ही हार हो महारानी महंगाई, अच्छे दिन छोड़ पुराने दिन दो लौटाई। जिसको रीट्वीट करते हुए लालू यादव ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि आटा, सब्जी, फल, दाल, तेल, मसाले, पेट्रोल, डीजल, गैस, दवा, भाड़ा सब महंगा हो गया है। डबल इंजन सरकार ने खाद्य पदार्थ खरीदने से लेकर खाना पकाने तक देश में सब महंगा कर दिया। देश में अब बस इंसान की जान सस्ती है, जो कभी भूख तो कभी तंगी से तो कभी लिंचिंग से चली जाती है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। मुगलों और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच राजा जय सिंह संधि पर 1665 को हस्ताक्षर हुए। महात्मा गांधी ने 1888 में इंग्लैंड के लिए समुद्री यात्रा की शुरुआत की। भारत में 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ। केंद्रीय कैबिनेट ने 2008 को 7 राज्यों में निर्वाचन क्षेत्र के पुनर्निर्धारण के संबंध में परिसीमन आयोग की सिफारिशों में सुधार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2009 में असम्मत सिंह की मोहम्मद अली जिन्ना पर लिखी गई किताब पर गुजरात में लगे प्रतिबंध को हटाया। भारतीय अभिनेता ऋषि कपूर का जन्म 1952 को आज के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेटर किरण मोरे का जन्म 1962 को आज के दिन हुआ था। भारतेंदु कालीन प्रमुख साहित्यकारों में से एक मोहनलाल विष्णु पांड्या का निधन 1912 में आज के दिन हुआ था। सीएसके ने शेयर किया रायना के छक्के की तस्वीर। 19 सितंबर से यूनाइटेड अरब अमीरात में आईपीएल 2021 का दूसरा फेज खेला जाना है, जिसका पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। सीएसके की टीम सबसे पहले इस टूर्नामेंट के लिए यूएई पहुंची और तैयारियों में जुट चुकी है। सीएसके ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सुरेश रैना का एक ऐसा छक्का है जिसने धुआं उड़ा डाला है। इस वीडियो की क्लिप रैना ने ट्विटर पर शेयर की है और साथ ही एक मशहूर हिंदी गाना भी कैप्शन में लिखा। रैना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हो जाए सावधान वरना आपका ट्विटर अकाउंट हो जाएगा ब्लॉक। ट्विटर पर अब एक और सुविधा आ गई है, जिसके जरिए अब कोई भी ट्विटर यूजर किस अनजान व्यक्ति को ब्लॉक कर सकता है। इसके ही यूजर अपनी पसंद के हिसाब से ट्वीट्स और टॉपिक को भी फिल्टर कर पाएंगे। इसके साथ ही ट्विटर ने अब अपने प्लेटफॉर्म को और भी सुरक्षित बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। इस फीचर को ट्विटर ने सेफ्टी मोड नाम दिया है। यह एक ब्लॉक्ड फीचर है, जिसके जरिए आप जिसको चाहे अपने ट्विटर अकाउंट से ब्लॉक कर सकते हैं। ट्विटर सेफ्टी मोड एक ऐसी सुविधा है जो संभावित रूप से अभद्र भाषा का उपयोग करने वालों को 7 दिन के लिए अकाउंट टेम्पररी ब्लॉक कर देगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 3 सितंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,480 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,700 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 103.89 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.65 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है दिनेश कुमार महतो, नंदीलाल सिंह, रविंद्र पासवान, उमेश यादव, मृत्युंजय कुमार, विकास प्रजापति, शशि भूषण, रंजीत मेहता, टुनटुन यादव, सरवर आलम, सूरज आर एस के सी चैनल, कुमारी संजना, सुनील पासवान, अखिलेश यादव, प्रहलाद कुमार, सुमन कुमार, राहुल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बनाम इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारतीय टीम को किन किन चीजों में सुधार करने की जरूरत है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।